हाँ जी, तो वीडियो बीच में रुक गई थी। तो नेक्स्ट हम मैं आपको बता रही थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो, तो मैंने क्या बोला था कि ये हैं आपके पास डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन, यहाँ पे दीज आर डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड, तो ये स्प्लिट कर जाते हैं। ऊपर आता है जी ई जी, नीचे आ जाता है जी टी टू जी। ये है आपके पास डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स नेट, ये है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जेड स्क्र। ठीक है, तो अब मैंने ये आपको बता ही दिया कि ये दोनों जो है ई जी हैं ऑर्बिटल्स जो हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र, इनकी एनर्जी ज़्यादा आती है, इनमें रिपल्शन ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर पड़े हैं, राइट, इसलिए ये ऊपर है। नेक्स्ट है, इनमें जो डिफरेंस है एनर्जी का, दैट इज़ डेल्टा नॉट। एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज़ डेल्टा नॉट। अब देखो, दिस इज़ द बेरी सेंटर एंड दिस इज 0.6 डेल्टा नॉट एंड दिस इज -0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जी, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि ये जो डिफरेंस है दो सेट्स जो डी ऑर्बिटल्स के उनमें, उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, इसको हम सी एफ एस सी बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो ये डेल्टा नॉट है ना कि कितनी स्प्लिटिंग होएगी, ये डेल्टा नॉट है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है जी? लिगेंड्स के ऊपर। ठीक है, ये मैंने बोला इन प्रेजेंस ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड। अब ये लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर एनी गिवन मेटल कटायन, फॉर एनी गिवन मेटल कटायन द मैग्नीट्यूड डेल्टा नॉट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। ठीक है जी, लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने लिगेंड कौन कौन से पढ़े हैं? एक हमने पढ़े हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अभी हमने एक बात करी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की, एक बात करी हमने वीक लिगेंड्स की। दो तरह के लिगेंड पढ़े हमने। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड कैसे पता चलते हैं? ये हम पता चलते हैं जी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या करेंगे? मोर स्प्लिटिंग, मोर एनर्जी। जो वीक लिगेंड्स हैं उन केस में लेस स्प्लिटिंग, लेस एनर्जी, कम स्प्लिटिंग, कम एनर्जी। अब तुम्हें ना पेपर में पूछा जाएगा कि इनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ में अरेंज करो कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा आएगी। अब तुम्हें पता है एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी उस केस में लेस वेवलेंथ
और जिसकी लेस एनर्जी होगी उस केस में मोर वेवलेंथ, मोर लैम्डा। ठीक है, तो ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ जी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ पर ढूंढने में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो मैं लिख ही देती हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो क्या है जी, ये आई नेगेटिव देन बी आर नेगेटिव। ये इस बार नीट में क्वेश्चन था, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था सीरीज में, ये और ये था। तो देख लो जी, आपको ये सीरीज जो है एज सच याद करनी है। C2O4 negative is oxalate, O2 negative oxide, water, NCS, NH3, EN is ethylene, diamine आपको पता है ये मैं bidentate ligand है, ये हम करा चुके हैं। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है NH3 बाद EN, नहीं इट्स राइट, NO2, CN एंड CO। तो ये जो ligands हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये जो लिगेंड्स हैं दीज आर वीक फील्ड लिगेंड्स, ये हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स प्रोड्यूसेस मोर स्प्लिटिंग। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर CFSC delta naught values is known as spectrochemical series। इसको हम बोलते हैं spectrochemical series। ये delta naught में जो naught है this is for octahedral। ठीक है, अब जिनकी इन जो है ये weak field ligand, इन केस में small value of delta naught है, स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट, और यहाँ ये जो है इनके केस में लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ CFSC। हमने निकालने हैं CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल D1 ऑक्टाहेड्रल है हमारे पास। ठीक है, तो आपको पता है D1 ऑक्टाहेड्रल है जो ये है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2G1Eg0। तो CFSC क्या आ जाएगी, माइनस नीचे क्या था, माइनस 0.4 × 1 प्लस 0.6 × 0, तो माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है जी, नेक्स्ट आती है D2 ऑक्टाहेड्रल। तो D2 ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या आ जाएगा जी हमारे पास, 1, 2, तो ये आ जाएगी T2G2Eg0। तो इस केस में CFSC क्या आ जाएगी, माइनस 0.4 × 2 प्लस 0.6 × 0, तो माइनस 0.8 डेल्टा नॉट। नेक्स्ट आता है हमारे पास जी D3। तो D3 के केस में क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, माइनस 0.4 × 3, माइनस 1.2 डेल्टा नॉट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास D4। तो D4 के केस में जी दो कंडीशंस आती हैं हमारे पास, 1, 2, 3 और इधर एक 4 यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास आता है 1, 2, 3 and 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयरिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर पेयरिंग हुई 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जब पेयरिंग हुई ये कौन सा है स्पिन, ये लो स्पिन है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई तो यहाँ पे स्पिन हाई है, दिस इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो लो स्पिन को हम LS लिख सकते हैं, हाई स्पिन को हम HS लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो जी, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, और ये जो है क्वेश्चन बुक में ऐसा दिया भी नहीं हुआ, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। माइनस 0.4 × 4
ठीक है, तो ये आ गया माइनस 1.6 डेल्टा नॉट प्लस एक जो यहाँ पे जाना था वो नीचे आके पेयर हुआ प्लस 1p प्लस 1p एंड दिस पी इज व्हाट पेयरिंग एनर्जी, दिस पी इज व्हाट पेयरिंग एनर्जी। इस केस में क्या है माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 माइनस 1.2 प्लस 0.6, तो ये आ गया माइनस 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है जी, इसमें कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं D5, तो D5 के केस में भी क्या होगा, दो बनेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ T2G4Eg0, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ T2G3Eg1, तो D5 के केस में भी क्या होगा, दो बनेंगे, पहले 1, 2, 3, 4, 5, इसके केस में क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट इसके केस में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, दिस इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो माइनस 0.4 इंटू 5 माइनस 2 डेल्टा नॉट प्लस, दो ऊपर गए हैं तो दो को हमें यहाँ नीचे लाना पड़ा, तो 2p पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो यहाँ पे 0 आ गई इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, तो D4 में भी दो बनने हैं, D5 में भी दो बनने हैं, दो कॉम्प्लेक्स, ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास D6, D6 में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे माइनस 0.4 इंटू 6 माइनस 2.4 डेल्टा नॉट प्लस कितने पी लिखेंगे हम जी, 3p, नो ये रॉन्ग है और ये काफ़ी बुक्स में भी रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे आके पेयर हो गया ना, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे आके पेयर हो गया ना, तो मतलब हमें सिर्फ दो को लाना पड़ा नीचे, एक तो ऑलरेडी पेयर है, तो मतलब हमें एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो दो को लाने के लिए लगानी पड़ी ना, तो इसलिए इसलिए क्या हुआ, ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ऑलरेडी पेयर ही है, तो यहाँ पे हमें दो, तो प्लस 2p, और यहाँ पे क्या है माइनस 0.4 इंटू 1, 2, 3, 4 प्लस 0.6 इंटू 2 माइनस 1.6 प्लस 1.2 माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है जी, नेक्स्ट इस ये है हमारे पास हाई स्पिन और ये है हमारे पास लो स्पिन। नेक्स्ट D7, तो D7 के केस में क्या है जी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे देखो माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 माइनस 2.4 प्लस 0.6 माइनस 1.8 डेल्टा नॉट प्लस, दो तो ऑलरेडी पेयर्ड है, एक को ही नहीं चलाना पड़ा, 1p, यहाँ पे माइनस 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 1.2 तो माइनस 0.8 डेल्टा नॉट, राइट। तो ये बन गया हमारे पास D7, दिस इज आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज D9, तो D9 के केस में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो D9 के केस में तो दोनों सेम ही बनेंगे, तो ये है माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3 माइनस 2.4 प्लस 1.8 माइनस 0.6 डेल्टा नॉट। तो यहाँ पर देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ T2G6Eg0, इसकी T2G4Eg2, इसकी T2G6Eg1, इसकी T2G5Eg1। ठीक है जी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है T2G6Eg3। नेक्स्ट आता है D10, इसमें हाई स्पिन लो स्पिन कुछ भी नहीं है, बट सेम ही है।
नेक्स्ट आता है D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो D10 भी सेम ही रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम ही सब पूरा फिल हो जाएगा। D10 है तो -0.4 × 6 + 0.6 × 4 तो ये आ जाता है हमारे पास 0। ठीक है जी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ T2G6 Eg4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G6 Eg4, राइट। तो ये है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसमें हमने पी की बात करी, दैट इज़ पेयरिंग एनर्जी। अब देखो, इफ़ डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन पी, मतलब डेल्टा नॉट ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो क्यों आएगा, डेल्टा नॉट ज़्यादा है तो मतलब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ना वो ईजी में एंटर करेगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ईजी में एंटर करेगा, मतलब कि अगर डेल्टा नॉट ज़्यादा, मतलब हम डेल्टा नॉट ज़्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। सॉरी, अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और ये वीक फील्ड्स बनाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड बनाएंगे। अगर डेल्टा नॉट ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, तो डेल्टा नॉट ज़्यादा है पेयरिंग से तो पेयरिंग जो है वो हो जाएगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। और अगर ऐसा है तो ऐसे लिगेंड्स के लिए हम बोलते हैं कि दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है जी, ये है, तो ये थी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उस केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है कम है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो ये थी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो ये हम डिस्कस करते हैं इन आर नेक्स्ट लेक्चर।